कुरुक्षेत्र गीत जयंती के 10वें दिन आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और दिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने आपका पहले पंडाल दिखाया था वह पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल 17 दिसंबर को यहाँ पर उपराष्ट्रपति आएंगे और असम का जो यहाँ पर थीम तैयार किया जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। असम का वह थीम 17 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक दिखाया जाएगा। उसमें असम के मुख्य कल्चर दिखाए जाएंगे, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के घर, वहाँ के मकान, वहाँ का फेमस मंदिर कामाख्या माँ मंदिर जो कि सबका सब बनाकर तैयार किया गया है उस साइड, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम आपको यह पंडाल जो यहाँ पर तैयार किया गया है वह दिखाना चाहेंगे। रिक्वेस्ट हमारी आपसे वही कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको कि 17 दिसंबर के लिए यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ चली हुई है। दोस्तों जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यह नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप की स्टेज है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं वह इसी स्टेज पर होते हैं। यह पुरुषोत्तमपुरा बाघ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में स्थित है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यह पंडाल लगा दिया गया है जो कि कृष्णा अर्जुन रथ के बिल्कुल सामने है। कल यहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय, यहाँ के जो भी मेन MLA मंत्रीगण सब के सब आएंगे और भाषण देंगे और साथ में वहाँ पर मनाया जा रहा है असम का थीम, उस असम के थीम का उद्घाटन करेंगे और वहाँ पर बहुत कुछ दिखाने योग्य रहेगा 2023 गीता जयंती के समय में। अब की बार गीता कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का पार्टनर असम है इसलिए वहाँ पर असम की थीम बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं असम के उस भाग पर जहाँ पर बनाई जा रही है असम थीम और दिखाएंगे उसके अंदर का कुछ मुख्य दृश्य। हेलो, यह जो आप गेट देख रहे हैं यह है असम की वेशभूषा से तैयार किया हुआ गेट है। आप देखिए यहाँ पर जो असम के मुख्य देवी देवता हैं उनके चित्र भी लगाए हुए हैं और यहाँ पर कामाख्या माँ का मंदिर बनाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं और ले चलते हैं आपको इसके अंदर और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं। 17 दिसंबर को यह तैयार हो जाएगा, 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन और यह 6 जनवरी तक दिखाया जाएगा। यहाँ पर असम की मुख्य संस्कृति, असम का मंदिर और असम का रहन सहन वह सब का सब इस थीम के अंदर आपको दिखाई देगा। बहुत से यात्री यहाँ पर इसको देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि असम लिख दिया जा चुका है और कल इस थीम का उद्घाटन होगा और यहाँ पर असम का कल्चर वगैरह दिखाई जाएंगे। यहाँ पर यह बहुत सुंदर पेंटिंग जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, यहाँ पर असम के स्टॉल वगैरह लगेंगे जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर यह झुगिया बना दी गई है जिसमें दुकानें, स्टॉल इत्यादि प्रदर्शनी वगैरह लगेंगी जिसमें सबका सब असम का कार्यक्रम होगा। वहां पर क्या कुछ मुख्य है वह सबका सब आपको दिखाई देगा। कल से यह प्रोग्राम तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ पर यह मुख्य स्टेज रहेगा जिस पर असम के कुछ कार्यक्रम दिखाए जाएंगे, वहाँ का नृत्य, वहाँ का डांस, वहाँ का कल्चर सब का सब आपको इस मंच पर दिखाई देगा। कल को यह शुरू हो जाएगा। पूरा का पूरा एरिया असम की थीम से तैयार किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अभी आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहाँ पर झुगियाँ वगैरह बनी हुई हैं जिसमें कुछ दुकानें, कुछ स्टॉल वगैरह लगेंगे। तो
आज गीता जयंती का शुरू हुए 10 दिन होने को है। आज गीता जयंती को शुरू हुए 10 दिन होने को और आप देख सकते हो यहाँ पर यात्रियों और श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़, यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कल 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति महोदय जी आएंगे और असम के मेले का उद्घाटन करेंगे, गीता जयंती का उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हो हमारे वीडियो में कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं गीता जयंती मेले को देखने के लिए। आज दिन शनिवार है और 16 दिसंबर का यह दिन है। आज के दिन मुख्य जो रोड के बीच की सड़क है वह बंद कर दी गई है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, श्रद्धालु चारों तरफ से घूमकर ब्रह्म सरोवर पर घूम रहे हैं। आज के दिन पूरा का पूरा सरोवर यात्री यहां पर घूम सकते हैं, क्योंकि आज प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो भी मेन सड़क है उसको खाली करा दिया जा रहा है। आज स्कूल के बहुत ज्यादा बच्चे मेले को देखने के लिए आए हुए हैं। कारपेट्स उत्तर प्रदेश, दोस्तों यहाँ पर आप शॉप नंबर 475 से आप कारपेट्स वगैरह खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको हर तरह के कारपेट्स मिलेंगे, यहाँ जिसका मूल्य 150 से शुरू होकर 50,000 तक होगा। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर कारपेट्स बनाए हुए हैं, जैसे ये ग्रीन वाला कालीन है, ये वाला 15,500 का, जैसे कि ये वाला सर 15,500 का कालीन है, ये 4x6 का साइज है, प्योर हैंडमेड कालीन है। बाकी हमारे पास हर वैरायटी के हर क्वालिटी का साइज मिल जाएगा आपके पास, जैसे कि हमारे पास 150 से स्टार्टिंग है और कालीन लेंगे 50,000, 60,000, 70,000, जैसा क्वालिटी लेंगे हर क्वालिटी का मिलेगा। जैसे कि हम आपको ये कालीन दिखाते हैं, एक तो चला रहा है, ये देखिए 6x9 का कालीन है और इसका ये कॉस्ट है हमारे पास पड़ेगा 35,000 का। 35,000 जी, ये प्योर हाथ का बुना हुआ कालीन है और सिल्क में क्वालिटी है, कश्मीरी सिल्क। यहाँ पे कालीन बने हुए हैं ये सब आपने हाथों से बनाए हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग खुद बुनकर आदमी है और भदोही से आए हैं। कहाँ से आए हो? भदोही से, यूपी मिर्जापुर भदोही, हमारा 475 नंबर शॉप है। और आइए खरीदारी करिए, आपको बिल्कुल जेन्युइन प्राइस लगेगा, आप एक बार आइए, बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल ठीक दाम उचित दाम में मिलेगा कारपेट, और चलने वाला लाइफ टाइम चलने वाला चीज मिलेगा आपको। एक बार फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कालीन कारपेट यहाँ पर बने हुए हैं, जो भी उत्तर प्रदेश वालों की यह दुकान है, दुकान नंबर 475 है। प्राइस मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन प्राइस लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल कारपेट मेरा रेट कस्टमर का। दोस्तों बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, आपको हर एक चीज की यहाँ पर दुकान मिलेगी, चाहे वो खाने की वस्तु हो या फिर कोई घर का डेकोरेशन वगैरह, आपको सब का सब क्षेत्र ब्रह्म सरोवर गीता जयंती महोत्सव के समय में मिलेगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हार्दिक स्वागत करता है, यहाँ पर कुछ साइंस से संबंधित जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए अपने पृथ्वी, ओके, अभी जो ये जो विज्ञान से संबंधित लग रहा है, देखिए सर अभी जो आप देख पा रहे हो हमारे पीछे आगे आपके सामने जो स्टॉल लगे है, स्टॉल नंबर 500, तो ये एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है और ये एक संस्था के द्वारा लगाई गई है। संस्था का नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SPSTI, जो पंचकूला में इसका हेडक्वार्टर है।
और ये संस्था अभी हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है, तो ये लोगों के लिए फ्री में विज्ञान की चीजें लगाई गई है ताकि उनको विज्ञान के बारे में नॉलेज दे सके। जैसे ये छोटे छोटे मॉडल है, अक्सर हम सर्कस में देखते हैं एक लड़की एक रस्सी के ऊपर डंडा लेके ऐसे चल जाती है, तो ये उसी के ऊपर कंसेप्ट है सारा, कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमारा मास दोनों तरफ बराबर बैलेंस रहता है, इसको आप जैसे मर्जी लाए इजिली गिरता नहीं है। तो ये सेंटर ऑफ मास का मॉडल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स यहाँ पे लगा रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर यहाँ पे लगा रखे हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो। तो इन मिरर का हम यूज भी बताते हैं कि इनका सड़कों पे हम क्यों यूज करते हैं। जैसे एक प्लेन मिरर ये लगा है और एक ये वाला लगा है कॉन्वेक्स, तो एक्चुअली में इसका इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि हम इसमें ज्यादा देख सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ये सारी चीज, ये हमारे ग्लोब, ये टाइम मशीन जैसे ही है, ये बड़ा अच्छा मॉडल है एक्चुअल में। तो आप इससे किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकते हो इस मॉडल की हेल्प से। जैसे अगर हाँ, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं, आप मान के चलो अभी इंडिया में 1 बज रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली सारी कंट्री में टाइम सेट हो जाएगा। आप किसी भी कंट्री का टाइम देख सकते हैं। जैसी चीज़ आप थोड़ा सा, आप जो पीछे ये आपको नजर आ रहा है, ओके, जैसे ये है एक छोटा मॉडल यहाँ पे आप देख रहे हो, इन्फिनिटी वेल। जैसे ये इतना गहरा दिखता है, इतना गहरा दिखता है, हम इसकी गहराई नहीं बता सकते कितनी गहराई है इसकी, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोला जाता है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे नाई की दुकान में एक शीशा आगे एक शीशा पीछे, सेम वैसे ही काम करता है। और ये बड़ी यूनिक चीज है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, लोहा जब धरती से निकाला जाता है तो कुछ ऐसे निकलता है, तो इसको मिनरल ऑर्स बोलते हैं। जो आज के ऑक्टोपस है, आज से करोड़ों साल पहले ऑक्टोपस कुछ ऐसे दिखा करते थे, इनका नाम रखा गया फॉसिल, जो इनको इस नाम से आगे लिखा भी हुआ है। और ये थोड़ा बायोलॉजी का सेक्शन रहता है जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे रहता है, लाइक हार्ट कहाँ पे है, हम इसको ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, सारी चीजें ओपन हो जाती है लाइक दिस। तो ये हमारा हार्ट होता है, लीवर, और ये हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो पूरा बॉडी फंक्शन हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये है। अदर जो आप देख रहे हो, ये बड़ी यूनिक चीज है, और ये है टेलीस्कोप जिसका हम शाम के टाइम पे एक प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पर, स्काई वॉच, सितारों से मुलाकात, और वो शाम को रहेगा। आजकल जुपिटर बड़ा अच्छा दिख रहा है, आपको एक बार अंदर आ जाइए, मैं चाहता हूँ अंदर आए। ओके, तो ये हमारा ये वाला प्रोग्राम चलता है स्काई वॉच, सितारों से मुलाकात, और इसमें हम लोगों को हमारे आसपास जितनी भी खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको हम दिखाते हैं। जैसे कल एक घटना हुई, परसों एक घटना हुई, हमारे धरती के पास से कोई एक उपग्रह निकला और उसके जो अवशेष होता है वो हमें एक तरह से ऐसा दिखा कि आसमान में जैसे हम बोलते हैं ना तारा टूट गया, तो 1 घंटे में 200 तारे टूटते हुए हमें नजर आए रात को 11 बजे के बाद। तो ये बड़ी अचीवमेंट हुई। ये हमारे टेलीस्कोप है, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, दो तरह के होते हैं। इसमें लेंस यूज होता है और इसमें मिरर यूज होता है इस लेंस में, और इसका जो फेस है ये ज्यादा ओपन है, अपर्चर इसका ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा अच्छी क्लैरिटी। दोस्तों, दुकान नंबर 533 और 534 पे आपको हर एक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल फूलदान भी मिलेंगे, और यहाँ पर क्या कुछ इनका रेट है वह सब हम आपको भी बताएंगे, और यहाँ पर सबसे खूबसूरत फूलदान क्या है वो भी बताएंगे। हाँ जी बोलिए। ये हमारे पास फ्लावर पॉट है, ये शीशम के और आसाम टी कूड होती है, एक ये जो है ना होम डेकोर के होते हैं, इससे जो है ना आप अपना घर जो है ना अच्छी तरह डेकोर कर सकते हो। एक हमारे पास ये है जो साइड कॉर्नर होता है, और बहुत ही अलग अलग तरह की यूनिक आइटमें हैं। जैसे आपको छोटा चाहिए, बजट में भी है, बजट थोड़ा बजट ज़्यादा भी है, या जिस हिसाब का जिसका जैसे बजट होगा उस हिसाब से आदमी ले सकता है। एक ये साइड टेबल है, ड्रॉर वाली में बाहर बाहर ड्रॉव है, मिरर वगैरह है, और ये वॉच वगैरह है। प्राइस, ये प्राइस आपको मिल जाएगा, ये 1500 का, 2000 का मिल जाएगा, छोटा साइज मिल जाएगा इसका, सभी साइज मिल जाएगा। सबसे खूबसूरत कौन सा है आपके पास? सबसे खूबसूरत जो होता है ना, नक्काशी होती है, जो नक्काशी हुई है ना फ्लावर पॉट के अंदर, ये नक्काशी हाथ का हैंडवर्क होता है, ये अपने हाथों से क्या किया हुआ? हाँ, ये सब हैंडवर्क होता है। ये 533 534 दुकान नंबर है, आरिफ नाम है,
अब मोहम्मद सैफ कुरैशी नाम है। कुछ जो भी वीडियो को देखता है उसके लिए कुछ बेनिफिट होगा? हाँ बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके चैनल पे आएगा ना वो आपके थ्रू आएगा तो बिल्कुल बेनिफिट देंगे सर, अगर आपके थ्रू आएगा। ये 1000 रुपये का? हाँ जी। और जो आपकी एक ये 4 वाला जो सेट है कौन सा वाला? स्टूल 34, ये प्योर शीशम का है, 5000 रुपये का। 5000 रुपये के? हाँ प्योर शीशम। हाँ प्योर शीशम है। ये कौन सा चैनल है?